अगर जो कानून अगर इंसान के लोगों के हक को नहीं दिला सकता तो वो कानून कानून नहीं है। अगर जो कानून एक मजदूर को, एक भारतीय जनता को अगर उसे बंधुआ मजदूर बना के रखती है तो वो कानून कानून नहीं है। हम क्यों माने वो कानून को जो हमको, जो मेरा फ्यूचर को अंधकार में रख रही है, जो एक मजदूर का बेटा को मजदूर ही बना रही है, तो उस कानून को हम क्यों माने? आखिर क्या दरकार है, आखिर क्या मजबूरी आ पड़ी है कि हम उस कानून को माने? कानून को बदला जा सकता है, कानून को बदला जा सकता है, लेकिन जिस जमीन पे हम लोग रह रहे हैं अगर उस जमीन को छोड़ दे तो ये पूरे दुनिया में हम लोग का एक इंच भी जमीन नहीं है कहीं पे। तो हम उस कानून को क्यों माने जो हमने बंधुआ मजदूर बना के रखा है? जो ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का को, एक ग्रेजुएशन किया हुआ लड़की को जानबूझ के मजदूर बनाने के लिए विवश कर रहा है, तो उस कानून को हम क्यों माने? अब कानून की बात कीजिए, कोई बात नहीं, अब कानून की बात कीजिए, देश में संविधान है, देश एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, हम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन उस कानून को नहीं मानते हैं जो चाय मजदूरों को, जो चाय बगानवासी को एक बंधुआ मजदूर बनाता है। और इसके लिए आंदोलन छिड़ चुका है, आने वाले दिन में आप लोग देखेंगे पूरे नॉर्थ बंगाल में, जो कि ऑलरेडी चालू हो चुका है। चाहे जितने भी संगठन रहे, यहाँ पे बहुत सारे संगठन है जो चाय बगान के मुद्दे के ऊपर काम करते हैं, जो चाय बगान के मुद्दे के ऊपर बातें करते हैं, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लाखों समस्या हो सकते हैं, लाखों मुद्दे हो सकते हैं, जातिगत मुद्दे हो सकते हैं, भाषागत मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकार का जो मुद्दा है वही सर्वोपरि है। अगर आपके, अगर आपका छत नहीं रहा, अगर आपका घर नहीं रहा, तो आप इतने सोच के देखिए आप कहाँ पे जाएंगे। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि ताकि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, गवर्नमेंट जॉब करे, कोई भी कोई एक अच्छा काम करे जिससे उनका परिवार चल सके, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन चाय बगान के जो रहने वाले बच्चे हैं, चाय बगान के जो रहने वाले युवा हैं, उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए सोचे, अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचे, ऐसा उनका अधिकार ही नहीं दिया गया है। उन्हें जानबूझ के कानून के माध्यम से, जो कानून हमें आजादी देती है उसी कानून के माध्यम से हमें बांध के रखा गया है। अभी जितने भी चाय बगान है, बहुत सारे चाय बगान, जैसे कि मुजने चाय बगान बिरपाड़ा में, बहुत सारे बिरपाड़ा में बहुत सारे बगान है जिसमें अभी चाय सुंदरी योजना लेके आई है सरकार। पता नहीं क्यों ये चाय सुंदरी योजना लेके आई है सरकार,